एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे कई सारे सब्सक्राइबर ने लिखकर पूछा कि अगर मैंने रेजिग्नेशन दिया है और मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। नहीं किया जा रहा है, देखिए आपने रिजिग्नेशन डाल दिया है सिस्टम में, मेल में, या आपने हार्ड कॉपी अपने बॉस को भेज दिया है, उसके पहले या उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है, एक नॉर्मल तरीका होता है कि आप अपने बॉस से बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक हो सकता है उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसको पता ही ना हो। एंड मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि एक एक मैनेजर के अंदर या एक एक डायरेक्टर के अंदर 200 लोग काम कर रहे हैं, 300 लोग काम कर रहे हैं, हर महीने 40-50 रेजिग्नेशन हो रहा है, 40-50 लोग नए आ रहे हैं। तो ये बहुत संभव है कि जब तक आप 1-to-1 अपने मैनेजर से बात नहीं करेंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, रेजिग्नेशन डालने से पहले या बाद में आप बता दीजिए कि भाई आप इन कारणों से कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं और आप एक फॉर्मल रेजिग्नेशन डाल रहे हैं या डाल दिया है। सो वो एक्नॉलेज हो गया। और अगर फिर भी मैनेजर आपका एक्नॉलेज नहीं करता, उसी मेल पे या सिस्टम जनरेटेड ईमेल जो भी आता है आप उस पे एक रिमाइंडर डाल दीजिए कि एज डिस्कस्ड आपके आपसे मेरी बात हो गई है, ये मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया है, इसकी कॉपी है, मैं इस दिन मेरा लास्ट डे होगा। आप ऑफिशियली बता दीजिए कि मेरा 1 मई मैंने ज्वाइन की रेजिग्नेशन डाला है, 30 डेज का नोटिस पीरियड है, 30 दिन मेरा, 30 वर्किंग डेज का, 30 मई मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा। आपने एक्नॉलेज भी कर दिया जो आपने बात की। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में, बिकॉज यही आपको आगे सपोर्ट करेगा। दूसरा, जब आप रेजिग्नेशन डाल रहे हैं ट्राई करें कि अपने आप को बीसीसी में आप रख लें, क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ के चले जाएंगे वो ईमेल आईडी का एक्सेस आपको नहीं होगा। सो अगर बाद में कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो वो जो आपने बीसीसी अपने पर्सनल ईमेल आईडी में रखा तो वहां से आप डॉक्यूमेंट उठा करके आप वापस एचआर को भेज सकते हैं।